हेलो गाइस, मेरा पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें मेरी सर्वाइवर सीरीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ करना आगे जाके। मैंने सोचा पहले ये वाला स्टेफ वाला पेड़ तोड़ूँ, वो बहुत बड़ा रहा था इसलिए मैंने ये छोटा वाला तोड़ा और अब ये टूटने वाला है। बूम 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 बूम, टेरा टूट गया ईजी। उसके बाद मैंने थोड़े टूल्स बनाए और मुझे फिर माइनिंग के लिए जाना था। मैं माइनिंग के लिए फिर चला गया और आप माइनिंग वाला लैब्स इंजॉय करिए। माइनिंग हो चुकी है, मैंने बहुत सारा कोल माइन कर चुका हूँ इसलिए मैं ऊपर जाता हूँ। मुझे एक डर्ट पसंद नहीं इसलिए मैंने एक और डर्ट लिया है और अब मैं इस तरफ वाले रूम में जाऊँगा जिससे मुझे कोई अच्छी चीज़ मिले। बस यहाँ पे पेड़ थे और बहुत सारे पौधे थे इसलिए मैं अब सोचने लगा कि मैं दूसरी तरफ वाले में जाता हूँ। उससे पहले मुझे थोड़ा फूड मिला तो मैंने फूड को थोड़ा लिया, फिर मैं उस तरफ जाने लगा। अब मैं वापस आपको एक टाइम लग दूँगा जिससे मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और 3 2 1 फास्ट फॉरवर्ड शुरू। बहुत ट्रैवल करने के बाद फूड कम हो गया, उसके बाद मैंने सोचा इस केव में देख लेता हूँ एक बार। और मैंने जैसे इस केव में देखा मैं सोचा इसमें माइनिंग करने जाता हूँ, तभी मैंने कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक स्पॉनर था और मुझे नहीं पता था वो किस चीज़ का स्पॉनर है इसलिए मैं पहले पीछे हो गया क्योंकि सर्वाइवल सीरीज में मैं मरना नहीं चाहूँगा। अभी मैं पीछे हुआ, फिर मैंने एक थोड़ी सी केव जैसे मतलब एक शेल्टर बनाया रहने के लिए, रात गुजारने के लिए। उसके बाद वापस आप टाइम लैप इंजॉय करिए। आई गेस बाय। पर से मैं बच गया, फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे स्केलेटन गलती से चेस्ट खोला, स्केलेटन से मुझे मारना शुरू किया। मैं वापस पीछे गया क्योंकि सर्वाइवल सीरीज में मैं मरना नहीं चाहता जैसे मैंने बताया था आप सभी को। मैं पीछे गया अपने टावर के पास मतलब एक शेल्टर के पास जो मैंने अभी जस्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर निशानी के रूप में मैंने कुछ कॉबल स्टोन से मतलब टावर बना दिया जिससे मुझे पता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है। पर जैसे ही मैं गिरा उस स्केलेटन ने मुझे मारा, इसे मैं आपस में पीछे हुआ थोड़ा फूड लिया, फिर मैं अंदर जाने लगा अपने शेल्टर के। फिर मुझे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब मेरी इन्वेंट्री में रखा हुआ सब चीज़। तो फिर मैं ट्राई करने लगा वापस स्केलेटन को उसकी हड्डियाँ निकालने के लिए। चले वो हड्डी से और उसका हड्डी निकाल के लिए तो क्या ही बचेगा उसमें। मैं उस वहाँ पर देखा कोई वहाँ पे दिखा नहीं, इसे मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने टॉर्च लगाई जिससे और ये हड्डी वाले स्केलेटन स्पॉन ना हो, वो मुझे मारने लगा। मैंने इसको मारा, वो मुझे बहुत मार रहा था इसे मैंने भागने से ही समझा और मैं भागने लगा सर्वाइवल सीरीज में वापस। एकदम से मैं नहीं मरने वाला और
और मैं पीछे गया वापस शेल्टर के पास, फिर मुझे याद आया वापस यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर मैं वापस अपना इन्वेंट्री खोला, फर्नेस लिया, और जो मैंने फूड को मार के जो फूड था उसे मैंने करने के लिए लगा दिया। उसके बाद मैंने एक और बार फूड खाया और मैं अपने इंतकाम के लिए जाने वाला हूँ कुछ ही देर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा कि फूड अभी होने में बहुत टाइम है, इसे मैं वापस जाने लगा उस स्केलेटन को मारने के लिए। स्केलेटन को मैं मारने के लिए जा ही रहा था, उसके बाद मैंने फूड देखा जिसमें मैंने सोचा स्पॉनर ज़्यादा जरूरी है, कंटेंट निकलेगा स्पॉनर से। मैं गया स्केलेटन खाने वापस फास्ट फूड को इंजॉय करिए। यहाँ पे पूरी जगह को कवर करने के बाद मैंने चेस्ट चेक किए जिसमें से मुझे कुछ खास नहीं मिला, पर मुझे स्ट्रिंग मिला जिससे मैं बहुत था खुश, क्योंकि उसी से बनता है वुल, वुल से मैं बनाऊंगा बेड। मैंने इस स्वीट टॉर्च को अजीब सी जगह की उसको सही से किया, ध्यान रखते हुए कहीं कोई अजीब स्केल्टन वापस ऑन ना हो जाए। मैंने इस स्वीट टॉर्च की तरह यहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने ये चेस्ट खोला जिसमें वापस अच्छा था नहीं, तो मैंने सारा सामान किया। उसके बाद मैंने ये चेस्ट को तोड़ने की सोचने लगा, उसके बाद मैंने ये वाला चेस्ट तोड़ना शुरू भी कर दिया। ये चेस्ट तोड़ने के बाद मैंने दूसरा चेस्ट तोड़ा, उसके बाद मैंने चेस्ट को लिया और उनको डबल चेस्ट बना दिया, इससे ज़्यादा सामान एक ही बार में चला जाए। फिर वापस मैं पुल बनाया, क्राफ्टिंग टेबल अपने इवेंट के संचालन का जो मुझे मिला नहीं अभी मुझे मिल जाएगा बस, हाँ मिल गया मुझे। मैं उसको काफ़ी देर पर रखूँगा और एक ब्रेड बना दूँगा क्योंकि ब्रेड मुझे पसंद नहीं है। मैंने ब्रेड से भी कॉन्सेप्ट कर दिया इससे तीखी की चीज़ कि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं जाने लगा अपने फर्नेस रूम के लिए और अब मैं फर्नेस रूम लेने जा रहा हूँ। मैं इस फर्नेस और फूड को ले जाऊँगा क्योंकि ये मैंने किया है, फर्नेस ने नहीं मारा था। तो मैं ऑफिस जाने लगा, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे फिर मैंने जो बचे हुए गैप थे उसको भी भर दिए। भरने के बाद मैंने सोचा मतलब भर ही रहा हूँ अभी भी, मैं अभी भर रहा हूँ, अभी भी भर रहा हूँ मैं, अब भर चुका हूँ मैं। भरने के बाद मैंने थोड़ी टॉर्चेस लगाई वहाँ पे, कॉबर रिस्पॉन्सेंट किया जिससे मैं मरूँ तो कोई दिक्कत ना हो। मैंने सारा सामान रखा क्योंकि इतने सामान का मैं करूँगा एक भी क्या, आधा सामान तो लावा में जाएगा। और अगली वीडियो में हम लोग जाएंगे माइनिंग पे गाइस, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अच्छी होने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।